कुछ नहीं कहा, हम तो केवल उन्हें प्रसाद देने जाने की चर्चा कर रहे थे। ये प्रसाद तो महाराज को अवश्य पहुंचाना चाहिए। क्यों पंडित जी? परंतु ये प्रसाद पूर्ण नहीं है। तुमने क्या किया? इस प्रसाद में शारदा की प्रार्थना के साथ अपना विष भी मिला दिया। अब तुम इन लड्डुओं को लेकर दरबार में सबके समक्ष महाराज को खिलाओगे। और शारदा देवी, देखना यह है कि आपकी श्रद्धा और हमारे विष में अधिक प्रभावशाली क्या है। तुम्हारी ये कामना कभी पूर्ण नहीं होगी। वैसे भी मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ, दरबार कैसे जाऊंगा? ये बूटी पानी में मिला के पी लो, इससे हमारे विष का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। कृष्णदेव राय की मृत्यु तो हमारे विष से होगी, परंतु उसका माध्यम तुम बनोगे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अपने परिवार के लिए भी नहीं? जब तक ये कार्य संपन्न नहीं होता, तुम्हारा परिवार मेरे कृपा पे जीवित रहेगा और चतुराई की तो स्मरण रखना, विष ही शस्त्र है। इन सभी की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। अब सब चलो हमारे साथ, दरबार में आज आम सभा है। अनर्थ मैं नहीं कर सकता। देवतुल्य महाराज को मैं अपने हाथों से विष नहीं खिला सकता। उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है। ये प्रतिष्ठा, आदर, धन, संपत्ति उन्हीं की तो देन है, पर मैं उनके साथ, तो मैं क्या करूं? अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है पंडित रामकृष्ण, अन्यथा विष ही शस्त्र। कितने अमरूद लेकर आए हम, कितना शर्म करवा लिया हमसे, और स्वयं न जाने कहां लुप्त हो गई चंद्रिका। हम तो पहले निवेदन कर रहे थे गुरुजी, इतना शर्म मत कीजिए। अरे गुरुजी ने कहा शर्म किया, परिश्रम तो हमने किया। अमरूद तोड़ते तोड़ते कमर हमारी टूट गई। हां गुरुजी, हमें आ रही दीजिए, हमें दीजिए गुरुजी। प्रणाम आचार्य। हां प्रणाम आचार्य। इस पोटली में क्या है? आपके लिए नहीं है। अरे आइए आइए पंडित रामकृष्णा, क्या लेकर आए हमें भी दिखाइए। क्या है इसमें? पंडित रामकृष्णा हम सबके लिए लड्डू लेकर आए हैं।
नहीं गुरु, हमसे प्रारंभ करवाइए, हम करते हैं शुरू। ये लड्डू आपके लिए नहीं है। अरे गुरु जी, अकेले अकेले खाने से पेट खराब हो जाता है। लड्डू चाहिए। अरे रुकिए रुकिए, सबसे पहले तो हम ग्रहण करेंगे इसे। महामंत्री नहीं मंत्री, पर ये लड्डू आप हमें दीजिए, हमें दीजिए। गुरु से पहले शिष्य कैसे खा सकते हैं? अरे तथा जाने गुरुजी, क्या हुआ? नहीं मानी। हाँ। ये पंडित रामा कृष्णा ने हमें नाम लेकर पुकारा। हाँ, तथा जारे। उसका इतना साहस कहाँ? हमें नाम लेकर पुकारी। वैसे नाम तो इसने लिया, छोड़ेंगे नहीं पंडित रामा कृष्णा। क्या हुआ पंडित रामा कृष्णा? आप इतने विचलित क्यों हो गए? और वो भी केवल लड्डू के लिए? कुछ नहीं मंत्री वर। महाराज कृष्ण देव राय पधार रहे हैं। महाराज कृष्ण देव राय की, 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 महाराज कृष्ण देव। पंडित रामकृष्णा, क्या है आपके हाथों में? वो अम्मा ने माँ काली को नैवेद्य चढ़ाकर आपके लिए प्रसाद भेजा है महाराज। हमारे लिए? तो फिर लाइए, हमारे निकट आइए, हमें प्रसाद दीजिए। कुछ नहीं महाराज, आप प्रसाद ग्रहण करें। कुछ नहीं महाराज, आप प्रसाद ग्रहण करें। पंडित रामकृष्ण,
ये क्या उपहास है? आप हमारा अपमान कर रहे हैं। कैसी विष कन्या है आप? आपके विष का तो कोई प्रभाव ही उत्पन्न नहीं हो रहा। विष कन्या, निस्साहस ही कैसे किया हमें ये प्रश्न पूछने का? ये असंभव है। ये लड्डू खा के इस समय तक तुम्हारी मृत्यु हो जानी चाहिए थी, क्योंकि हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ विष कन्या है। हे भगवान, विष कन्या अम्मा, लाठी। पंडित रामकृष्णा, कोई हमें बताएगा यहाँ पर क्या हो रहा है? कौन है ये कन्या और क्या कह रही थी ये? महाराज, ये चंद्रिका या जो कुछ भी इसका नाम है, ये वास्तव में एक विष कन्या है। आपके शत्रुओं ने आपका वध करने के लिए इसे विजयनगर भेजा था। किसी ने इन लड्डुओं में विष मिश्रित करके आपका वध करने का प्रयोजन बनाया था, और इसी प्रयोजन से ये सौंदर्य प्रसादिका बनकर इस राजमहल में आई थी। मेरे परिवार को बंधक बनाकर इसने मुझे आपको ये विष मिश्रित लड्डू खिलाने के लिए बाध्य किया। ये अन्य कई लोगों की मृत्यु के लिए प्रयासरत थी महाराज, और आपका वध करने के पश्चात इसने महारानियों का भी वध करने की योजना बनाई थी। इसने मुझे धमकाया था कि यदि मैंने इसकी वास्तविकता और योजना के बारे में आपको अवगत करा दिया तो ये अन्य लोगों के साथ साथ मेरे परिवार को भी मार डालेगी। अच्छा, तो आप महाराज को विषाक्त लड्डू खिलाने पधार गए। वाह पंडित रामकृष्ण, वाह। मेरे हाथों इतना बड़ा महापाप कैसे हो सकता था गुरुवर? और इस प्रयोजन से आपने वो विषाक्त लड्डू स्वयं ग्रहण कर लिए। कोतवाल सैनिकों, चंद्रिका को तुरंत बंदी बना लो। रुकिए, सावधान, कोई लाभ नहीं होगा। ये आप लोगों का भी वध कर देगी। ध्यान रहे, ये विष कन्या है, इसकी श्वास में भी विष है। सर्वप्रथम इसका मुंह बंद किया जाए और इसके दोनों हाथों को पीछे की ओर बांधा जाए। शीघ्र करें, इसकी चेतना वापस आने से पूर्व ये कार्य संपन्न होना चाहिए। शीघ्र करें। आपने क्या किया? आपको स्वयं वो विषाक्त लड्डू खाने की क्या आवश्यकता थी? चिंता ना करो शारदा, अम्मा कुछ नहीं होगा मुझे। क्यों चकित रह गई चंद्रिका? ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ जैसा तुमने सोचा था, क्योंकि वो बूटी मैंने तब खाई ही नहीं जब तुमने मुझे घर में दी थी। तब मैंने केवल उत्तम होने का ढोंग किया था। वो बूटी मैंने तब खाई जब वो लड्डू मैंने महाराज से छीना। बाल बाल बच गए। हे भगवान, हम विष कन्या के पीछे पड़े थे। यदि कभी इसने अपना विष महाराज, इसे तत्काल मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। नहीं महाराज। क्यों नहीं पंडित रामकृष्ण, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? इसने जघन्य अपराध किया है महाराज, इसे तो। वर, ये अपराधी है, किंतु केवल अपराधी नहीं, इसके साथ भी अत्याचार हुआ है महाराज। इन विष कन्याओं का जीवन अत्यंत कठोर होता है। इन्हें बाल्यकाल से ही नमक वाला आहार ना देकर केवल विष दिया जाता है। इस प्रक्रिया में कई कन्याओं की तो मृत्यु हो जाती है, और जो कन्या इस विष को सहन कर लेती है उसकी श्वास, रक्त, नख, जीवा सब विषाक्त हो जाते हैं। गुरुवर, जघन्य अपराध तो उन लोगों का है जो इस जैसी भोली भाली कन्याओं को विष दे देकर विष कन्या में परिवर्तित करते हैं। महाराज, विषाक्त होने के कारण इन्हें जीवन पर्यंत अकेला रहना पड़ता है। ना कोई सगी संबंधी, ना परिवार, ना मित्र, इनका कोई नहीं होता। किसी भी मनुष्य से इनका कोई संपर्क ही नहीं होता, ना ही भावना होती है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी के मनुष्यों की तरह इनमें भावनाएं जागृत नहीं हो सकती। महाराज, यदि इसे दंड देना अनिवार्य ही है,
तो इसे विष मुक्त करने का दंड दिया जाए, जिससे इसका जीवन संवर जाएगा। परंतु ये कैसे संभव होगा पंडित रामकृष्ण? महाराज, इसे भरपूर नमक युक्त आहार दिया जाए, जिससे इसके शरीर का विष धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। यह अत्यंत ही कष्टप्रद प्रक्रिया है महाराज, जिससे ये बहुत छटपटाएगी, तड़पेगी, किंतु संभवतः यही दंड इसके लिए उपयुक्त होगा। और जब एक बार इसके शरीर का विष समाप्त हो जाएगा, तब ये एक सामान्य स्त्री की तरह हो जाएगी। मंत्रीवर, इन्हें यहां से ले जाया जाए और इन्हें ध्यान पूर्वक नमक युक्त भोजन करवाया जाए। जो आज्ञा महाराज। अब हमें ज्ञात हुआ कि आप हमें तथाचार्य कहकर चिल्लाए क्यों थे। हमारे प्राणों की रक्षा के लिए धन्यवाद। महाराज, हम समझ नहीं पा रहे हैं किस प्रकार हम आपका आभार व्यक्त करें। आपने अपने प्राणों की चिंता किए बिना पुनः एक बार हमारे प्राणों की रक्षा की है। आपके प्राणों से अधिक मूल्यवान और कुछ नहीं महाराज, ना मेरे लिए ना संपूर्ण विजयनगर के लिए। धन्य है आप, और धन्य है आपकी राष्ट्रभक्ति। जब तक विजयनगर राज्य में आप जैसे राष्ट्रभक्त है, तब तक विजयनगर को कोई भी विष आतंकित नहीं कर सकता है पंडित रामकृष्ण। महाराज, पुरस्कार भी दीजिए। अवश्य अवश्य पंडित रामकृष्ण, आज आप पुरस्कार के योग्य तो हैं। और आपका पुरस्कार यह है कि जब तक आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाते हैं, आपको राज दरबार में आने की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज, विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय स्वयं आपको आपके आवास तक छोड़ने जाएंगे। मंत्री जी, महाराज शीघ्र अति शीघ्र राज वैद को पंडित रामकृष्ण के आवास पर भेजिए। जो आज्ञा महाराज। आइए पंडित रामकृष्ण। चले थे पंडित रामकृष्ण को फंसाने, और यहाँ ये प्रशंसा से प्रशंसा प्राप्त करता जा रहा है। गुरुजी, अब तो विषाक्त लड्डू खा ही लीजिए, आपका जीवन व्यर्थ है। व्यर्थ तो हम पंडित रामकृष्ण का जीवन कर देंगे, बस अवसर मिल जाए। से कैसे बचे? ये महाराज मलयुद्ध, वाह, आत्मा प्रसन्न हो गई। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। और कोई जो हमें चुनौती देना चाहता हूं? पंडित रामकृष्ण।
मुझे तो क्षमा करें महाराज, मेरा आज अद्वंदी व्रत है। अद्वंदी व्रत क्या होता है पंडित रामकृष्ण? इस प्रकार के व्रत में किसी से द्वंद नहीं करते। हाँ। अद्वंदी व्रत। हमारा भी व्रत है महाराज। आपका भी व्रत है? परंतु आचार्य, आपने कौन सा व्रत रखा है? करवा चौथ का व्रत। क्या? गुरुदेव, करवा चौथ का व्रत तो स्त्रियां रखती हैं और आप तो पुरुष हैं। क्या क्या तो भली भांति क्या है? आज ग्रह नक्षत्र वैसे ही है जैसे करवा चौथ पर होते हैं। बस इस शुभ अवसर पर हमने व्रत रख लिया महाराज। अर्थात हमें चुनौती देने वाला और कोई नहीं है। अद्भुत था। आप जैसे योद्धा तो अपनी आधी सेना को स्वयं ही समाप्त कर सकते हैं। महाराज, हम आपको चुनौती देते हैं, आप हमसे द्वंद कीजिए। महाराज, हम आपको चुनौती देते हैं, आप हमसे द्वंद कीजिए। हम भी तो देखे, हम तलवारबाजी भूल तो नहीं गए। नहीं महारानी सिरुमलम्बा, आप रहने दीजिए। हाँ छोटी महारानी, महाराज बिल्कुल उचित कह रहे हैं, आप रहने दीजिए, आपको चोट लग सकती है। हमें कुछ नहीं होगा, हमने बाल काल में तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया है। अवश्य अवश्य लिया है हम, हाँ, हमें याद है, परंतु इस समय रहने दीजिए आप महारानी तिरुमलम्बा। महाराज, निर्भीक क्षत्रिय वही होता है जो चुनौती स्वीकार करे, यही क्षत्रिय धर्म है, और आप अपने धन का निर्वाह कीजिए। आइए हम अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करते हैं। महारानी तिरुमलम्बा, द्वंद करना है, तलवारबाजी, प्यास नहीं काटने। महाराज हमें ज्ञात है, परंतु हम अपने प्रतिद्वंदी का अभिवादन इसी प्रकार से करते हैं। कीजिए फिर हमारा भी स्वागत, कीजिए द्वंद। महाराज, आप हमारे पति परमेश्वर हैं महाराज, हम आप पर आक्रमण कैसे कर सकते हैं? यदि आप हम पर प्रहार नहीं करेंगी तो हमारी प्रतिद्वंदी कैसे बन पाएंगी? महाराज, हम आप पर नहीं, आपकी तलवार पर प्रहार करेंगे। आप हमें अपनी तलवार पर प्रहार करने के लिए कहिए। उचित है। ये तलवारबाजी की प्रतिस्पर्धा हो रही है। आप एक ही जगह पे प्रहार कर रही है महारानी तिरुमलम्बा। महाराज, आपने भी तो तलवार एक ही स्थान पर रखी है ना, तो हम क्या करें? अच्छा, अब यहाँ पकड़ते हैं। महारानी निर्मलम्मा, छोटी महारानी, धीरे धीरे, अधिक पीड़ा हो रही है महाराज। जी, बहुत पीड़ा हो रही है। क्षमा कर दीजिए महाराज हमें, ये हमारी ही त्रुटि है, हमें महारानी तिरुमलम्मा को रोक लेना चाहिए था। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। हम कहाँ हैं? आप राजमहल में हैं, थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। महाराज की जय हो। आदरणीय राजपुरोहित जी, महामंत्री जी और पंडित रामकृष्णा जी आपसे भेंट करने की अनुमति चाहते हैं।
जी, बुलाए उन्हें अंदर। महारानी चिन्ना देवी, आप हमारे कष्ट की चिंता ना कीजिए, कस के गांठ मारिए। कस के। कितनी छोटी सी प्यारी सी थी, हिलती थी तो कितनी बढ़िया लगती थी, जिसके एक संकेत पर क्या से क्या हो जाता था। हाथ पट्टी में छुप गई। शांत शांत गुरु जी, धैर्य रखिए। कैसे शांत रहे, क्या धैर्य रखे, आत्मा क्लांत है हमारी। हे भगवान, ये क्या किया आपने, यदि उंगली काट ली थी तो हमारी काट लेते, महाराज ने क्यों काटी। नाटक कहीं कीजिए, रक्तचाप बढ़ गया तो हृदयघात हो जाएगा आपको। हाँ महाराज, हमारी सहानुभूति है, आशा करते हैं कि आपका घाव शीघ्र भर जाए। धन्यवाद महामंत्री जी। पंडित रामकृष्णा जी, महाराज आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? मैं क्या कहूँ महाराज। क्या कहूँ अर्थात, हमारी उंगली कटी है, कोई खेद, कोई संवेदना, कोई सहानुभूति, कुछ नहीं। मैं नहीं, खेद तो मुझे है महाराज, किंतु उंगली का मात्र छोटा सा भाग कटा है। और ईश्वर जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी पंडित रामकृष्णा, क्या कह रहे हैं आप। महाराज आपकी अन्नदाता है, महाराज ने आपको मान दिया, सम्मान दिया, और महाराज के कष्ट को देखकर आपको कष्ट नहीं हो रहा है। शिव 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 शिव, कितने निष्ठुर हैं आप। महाराज को कष्ट में देखकर आप कह रहे हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, प्रसन्न हो रहे हैं आप। गुरुवर, मैं प्रसन्न कहाँ हो रहा हूँ, मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। महाराज के इस कष्ट के पीछे ईश्वर की अवश्य ही कोई इच्छा रही होगी, जिससे महाराज का भला हो। पंडित रामकृष्ण, हमारी उंगली कटी है, इसमें भला क्या हो सकता है। यदि भलाई है तो सिद्ध करके दिखाइए पंडित रामकृष्ण, सिद्ध करके दिखाइए। महाराज, पंडित रामकृष्ण के इस उद्दंड व्यवहार से बहुत आहत। आपका अपमान हमारा अपमान है महाराज, हमारा ही नहीं संपूर्ण विजयनगर का अपमान है। तीन दिन में सिद्ध करके दिखाइए कि भगवान जो करते हैं अच्छा के लिए करते हैं, अन्यथा हम आप गुरु पंडित रामकृष्णा, यदि ये बात आपने भूल से कही होती तो हम समझ सकते हैं, परंतु ये बात आपने सोच विचार कर कही है। कौन आप, ये बात सिद्ध कीजिए, ईश्वर जो कुछ भी करते हैं अपने के लिए करते हैं, इसके लिए आपके पास केवल 3 दिवस है, अन्यथा आपकी उंगली काट दी जाएगी। बहुत अच्छी, उचित नहीं है महाराज। परंतु महाराज, पंडित रामकृष्णा, मात्र 3 दिवस। के लिए जा रहे हो और छींक आ जाए तो अशुभ होता है, इसलिए थोड़ी देर के लिए रुक जाए। अरे अम्मा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, समय पर दरबार पहुंचना है, विलंब हो रहा है। रुक जाओ, इसी अवधि के लिए रुक जाओ। ठीक है। Thank you.
टूटना बहुत बुरा लक्षण है। अपशगुन हो गया, आप नहीं जा सकते। शारदा, बहुत हो गया। शगुन अपशगुन, शगुन अपशगुन। अरे दरबार समय पर पहुंचना है, पहले ही विलंब हो गया है। रुक जाइए। अरे क्या हो गया? काली बिल्ली का रास्ता काटना अपशगुन होता है, कार्य बिगड़ जाता है। तुम दरबार मत जाओ, अपशगुन पे अपशगुन हुए जा रहे हैं। हो गया अम्मा, मैं भी ये कह रहा हूँ, बहुत हो गया। वो काली बिल्ली नहीं, काली बकरी का बच्चा था बस। क्या तलता, बिल्ली बिल्ली ने तो बकरी का बच्चा ही तोल दिया लामा के सामने। अच्छा अब समझ में आया कि ये सारा नाटक तुम लोग जानबूझकर कर रहे हो। बताओ क्या रहस्य है, बताओ बताओ। अम्मा ने कहा था। हाँ अम्मा, आपने कहा था, कहा था ना अम्मा। अम्मा कह रही थी कि उगाड़ी के उपलक्ष में दुर्गा माँ के मंदिर के बाहर एक विशाल मेला लगा है, इन्हें वहाँ जाना है। हालावा बहुत ही विशाल मेला, उसमें अजायब घर भी है जिसमें अलग अलग तरह की पत्तू पत्ती भी और अलग अलग तरह की वस्तुएं भी, मुझे वो देखना देखना देखना। और हमें भी चूड़ियाँ खरीदनी है रंग बिरंगी। रंग बिरंगी महोदया, मेले में जाना है तो मेरा समय व्यर्थ करने की क्या आवश्यकता है? यहाँ मेरी उंगली दांव पर लगी है, यहाँ इन्हें मेला देखना है। तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएंगे, जब हम वहाँ पर सामान खरीदेंगे तो उसे उठाएगा कौन? और मेरी मिठाई कौन विकला घर के लाएगा? जब मुझे प्यास लगेगी तो मेरे लिए शीतल जल कौन लेकर आएगा? यूँ कहो ना, अपनी चाकरी करने के लिए लेके जाना है। नहीं जाऊंगा, कदापि नहीं जाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमारे साथ रहेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम सुरक्षित हैं। सुरक्षित हैं? उसके लिए अम्मा है ना, अम्मा और उनकी लाठी। इससे अच्छी सुरक्षा व्यवस्था और क्या हो सकती है? अब मुझे दरबार जाने दो, नहीं तो विलंब से पहुंचने के कारण वहां उपहास का पात्र बन जाऊंगा। अरे अम्मा, हम मेले में ही जाएंगे और कहीं नहीं। शारदा हट मत करो, जाने दो मुझे। महाराज भी वही मेले में आ रहे हैं, समझे? वहाँ जाकर उनसे क्षमा मांग लो, ये अत्यंत उत्तम अवसर है, अन्यथा आपकी उंगली काट दी जाएगी। अच्छा तो सारा वृत्तांत ज्ञात हो गया तुम लोगों को, तभी तो मैं सोचूं कि मुझे मेले में भेजने के लिए इतना विवश क्यों किया जा रहा है। हाँ, मेले में चलकर उठा लो। अरे मेले में क्या उठा लूं? अपने हाथ उठा लो और उनसे क्षमा मांगो। मैं क्यों क्षमा मांगू, मैंने कोई त्रुटि नहीं की है। त्रुटि नहीं की? महाराज की उंगली कट गई और तूने कहा अच्छा हुआ। वो तो महाराज की महानता है कि उन्होंने केवल तेरी उंगली कटवाने का आदेश दिया, अन्यथा गर्दन कटवा देते। माला दे कटवा भी सकते है। अगर मुझे चोट लगे और कोई कहे अच्छा हुआ तो मैं उसे दंती माल माल कर उसका थल फोल दूं। अम्मा, मैंने ऐसा नहीं कहा था कि अच्छा हुआ, मैंने तो केवल ये कहा कि ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। ये बोलने की भी क्या आवश्यकता थी, तू इतना बोलता ही क्यों है? चुप नहीं रह सकता? तुमने जो मौन व्रत धारण कर लिया है कोई तो भूलेगा ना। देखो अम्मा, सत्य तो यही है कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, बस ये समझ में नहीं आ रहा कि इसे सिद्ध कैसे करूं। हे सिद्ध पुरुष, कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, जा और जाकर महाराज से क्षमा मांग। ठीक है, जा रहा हूं। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। पंडित रामकृष्ण। प्रणाम मंत्री भाई। प्रणाम। पंडित रामकृष्ण, महाराज मेला देखने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर और उचित अवसर है, आप महाराज से मिलकर क्षमा याचना कर लीजिएगा। अच्छा,
तो ये आपकी योजना थी? पंडित रामकृष्ण केवल हमारी नहीं बल्कि अम्मा गुंडप्पा और शारदा देवी हम सभी की सम्मिलित योजना थी, और अपने लिए ना सही परंतु अपनी उंगली के लिए तो ये कार्य कर ही सकते हैं। हाँ मंत्रीवर। अच्छी बात, आप एक काम कीजिए, आप इसे ले लीजिए। इन वस्त्रों की क्या आवश्यकता है? आप महाराज से भेंट करने के लिए देश बदल कर जाएंगे पंडित रामकृष्ण। मंत्रीवर, भेष बदल कर महाराज से क्षमा मांगूंगा? जी हाँ पंडित रामकृष्ण, क्या है कि महाराज ने भी अपना वेश बदला हुआ है। यदि महाराज अपने वास्तविक रूप में प्रजा के समक्ष चले गए तो प्रजा उनसे निसंकोच होकर परिचर्चा थोड़ी ना कर पाएगी। आप भी व्यापारी का वेश धारण कर लीजिए। यदि आप वास्तविक रूप में जाएंगे तो स्वयं भी पहचाने जाएंगे और महाराज की वास्तविकता भी खुल जाएगी। उचित है मंत्री भाई। और स्मरण रहे पंडित रामकृष्ण, महाराज की पगड़ी में एक हरे रंग का पन्ना जड़ा हुआ है, आप उन्हें पहचान लीजिएगा। ठीक है, मैं भली भांति समझ गया। प्रतीत होता है ये महिला है, आपसे भेंट करने आ रही। नहीं महाराज जी, हम तो महाराज। हाय, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पन फाड़ के देता है। ऐसा क्या प्राप्त हो गया गुरुवर कि भगवान को धन्यवाद कह रहे हैं आप? कुछ 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 नहीं महाराज, कुछ नहीं। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए, हम हैं यहाँ आपकी सेवा के लिए। बताइए हम क्या सेवा करें आपकी? कुछ 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 कुछ। महाराज हनीमन। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी आपकी सेवा के प्रयोजन से तो हम यहाँ उपस्थित हैं। आप ही नहीं तो कहा था कि भेष बदल कर आना ताकि कोई पहचान ना पाए, इसीलिए तो हमने ये रूप धारण किया है। अरे मूर्खो, भेष बदलने के लिए कहा था, ये वेश धरने के लिए नहीं कहा था। ये रूप बना तुम्हें और कोई रूप नहीं था? गुरुजी हमने गुरु माता से कहा, निवेदन किया, उन्होंने अपने पुराने वस्त्र हमें दे दिए, और कोई विकल्प ही नहीं था। फिर हमने सोचा कि इसी को धारण कर लेते, अगर आपके पास कोई वस्त्र है तो हम वो भी धारण कर लेंगे। नहीं नहीं, आप दोनों जैसे हैं उत्तम लग रहे हैं, शीघ्र चलिए, विलंब हो रहा है गुरुवर। महाराज आप चिंतित ना हो, कोई समस्या नहीं है। हम है ना, हमें पहुंचने का एक छोटा मार्ग ज्ञात है, उस मार्ग से जाएंगे तो शीघ्र पहुंच जाएंगे और समय की बचत भी होगी। छोटा मार्ग? जी महाराज। अब एक क्षण रुकिए महाराज, इस पंख को आप अपनी पगड़ी में लगा लीजिए। महाराज ये नेपाली चिड़िया का पंख है, इसे लगाने से हम स्थानीय व्यक्ति प्रतीत नहीं होंगे, ऐसा लगेगा जैसे हम दूर देश से आए व्यापारी। गुरुवर हमने वेश बदला हुआ है, इसकी क्या आवश्यकता? लगा लीजिए महाराज, इससे आपकी और सहायता होगी। उचित है, आइए महाराज। चल रहे, चलते गुरु जी के पीछे पीछे। क्या कर रहा है, मुझे कहाँ ले जा रहा है? आगे सघन वन है। अरे सर्प के डर से सिंह के मुंह में जाएगा क्या? अरे क्या नाम है तेरा? अरे रुक तो। अरे ये तू मुझे कहाँ ले आया है? चारों तरफ घना जंगल है, लगता है हम मार्ग भटक गए हैं। अब किस दिशा में जाएं? एक काम करता हूँ, जिस दिशा से तू मुझे भगा कर लाया है उसी दिशा में चलता हूँ। चल। गुरुवर, महाराज इस वर्ष विजयनगर में वर्षा अधिक हुई है, अब देखिए ना कितने नवीन वृक्ष उत्पन्न हो गए। मार्ग को लेकर थोड़ा संदेह उत्पन्न हो रहा है। संदेह? गुरुवर वन सघन होता जा रहा है, आप मार्ग भूले तो नहीं है ना? नहीं महाराज, नहीं हम भटके नहीं, हमें इसी मार्ग पर जाना है। आइए महाराज। बूढ़ा मार्ग भूल गया है,
आज ये वन्य प्राणियों का भोजन बनवाएगा हमें। तुझे बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है? हाँ हाँ पता है, तुझे भी तृष्णा लगी है, मुझे भी लगी है, कंठ सूख रहा है। सर्वप्रथम जल का कोई स्रोत ढूंढते हैं, तत्पश्चात घर जाने का मार्ग ढूंढेंगे। आते समय मैंने जल का कोई स्थान देखा तो था, हाँ उधर देखा था, चल उधर चलते, आजा आजा। एक क्षण महाराज, एक क्षण, एक क्षण, एक क्षण। महाराज हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमें इस मार्ग पर जाना है। इस दिशा में? नहीं नहीं महाराज, उस दिशा में नहीं, इसी मार्ग पर जाना है। गुरुवर, हमें जहाँ जाना है वहाँ का मार्ग आपको भली भांति ज्ञात तो है ना? हाँ महाराज, ज्ञात तो था, अवश्य ज्ञात था। अभी एक माह पूर्व इसी लघु मार्ग से हम दुर्गा माता के मंदिर में अनुष्ठान करने के लिए गए थे। अब एक माह में ये वन अपना स्वरूप इतना परिवर्तित कर लेगा, इसका अनुमान नहीं था हमें महाराज। गुरुवर, आप एक कार्य कीजिए। जी। आप हमारा अनुकरण कीजिए, हम आपको इस सघन वन से बाहर निकाल कर ले चलते हैं। क्यों जी, आप आगे बढ़िए महाराज। से आए हुए व्यापारी हैं, साथ में स्त्रियां भी हैं, इनसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज हम आपसे कहना चाह कृष्ण महाराज की क्या करने जा रहे हैं? तलवार घोड़े पर है। नहीं महाराज, व्यर्थ में साहस मत दिखाइए, हम सबके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। गुरुजी ये विचित्र प्राणी कौन है? अरे हमसे क्या चाहते हैं गुरुजी? हमें क्या पता मूर्खो, उसे पूछो और पता करके हमें भी बताओ। अरे ये क्या महाराज, ये महाराज ये क्या क्या हो रहा है महाराज? ये भगवान, ये मैं कहां फंस गया? महाराज तक सूचना भिजवानी होगी ताकि वो आकर मुझे मुक्त करवा ले। क्या हुआ हुरूर भाई, ये क्या है? नहीं ये अरे अरे दिख नहीं रहा कुछ। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग, मुझे यहाँ क्यों पकड़ कर लाए हो? छोड़ो मुझे। हमें पकड़ कर क्यों लाए हो? छोड़ो हमें, हमें जाने दो। पंडित रामाकृष्णा, तुम यहाँ किस प्रयोजन से? गुरुवर, अरे घूर घूर कर क्या देख रहे हो, पहचाना नहीं हमें? हम हैं राजगुरु राजपुरोहित कथाचार्य। गुरुवर मैंने भेष बदला हुआ है फिर भी आपने मुझे पहचान लिया। तुम्हारी वाणी, यदि हम घोर निद्रा में भी होते हैं ना तो भी तुम्हारी वाणी हमारे कानों में गूंजती रहती, पहचानेंगे कैसे? नहीं
किंतु आप तो इस पगड़ी में बिल्कुल भी पहचाने नहीं जा रहे। परंतु आप यहाँ क्या, कहने का तात्पर्य आप यहाँ कैसे फंस गए? और ये दोनों स्त्रियाँ कौन है आपके साथ? अरे हम स्त्रियाँ हैं, स्त्रियाँ। स्त्री के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? हम इनके शिष्य हैं। इन्होंने बिगाड़ा, इन्हें पकड़ लो, हमें छोड़ दो। तुम्हारे समाज में माँ बहने नहीं है क्या? अरे धनिका, इनके घर में माँ बहने होती तो हमारे साथ ऐसा दुष्व्यवहार थोड़ी ना करते। अरे ये तो बचकर निकले जा रहे हैं। अरे मनिका, हम तो इन भले लोगों को भली भांति समझ ही नहीं सके। ये तो बहुत नेक दिल के इंसान हैं। इनके घर में तो माताएं बहनें भी हैं। अच्छा व्यवहार करते। सुनिए भाई, ये जो बुड्ढा खड़ा है ना, इसे बिल्कुल मत छोड़ना। इसने उन पे बहुत अत्याचार किए। छोड़ दो मुझ से। हड्डियां पटलियां तोड़ के रख देना। ये तुम दोनों को मूर्ख बनाकर यहाँ से पलायन कर रहे हैं। ये श्रेणी पुरुष है, घूम जा रहे। पकड़ो पकड़ो। मूर्खो, हमें छोड़कर भागने का प्रयास कर रहे थे। यदि भागना ही था तो हमसे आज्ञा लेनी थी, हमें साथ में लेना था। ए गुरुवार, ये क्या किया आपने? हमारे बसले का मार्ग ही बंद कर दिया। यदि ये दोनों पलायन कर जाते तो हमें बचाने का प्रयास कर सकते थे ना। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। गुरुवार, गुरुवार आप ठीक हैं? जी महाराज। और आप? महाराज, प्रणाम। महाराज, पंडित रामकृष्ण, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? महाराज, मैं तो आपसे क्षमा मांगने के लिए मेले में जा रहा था, किंतु रास्ते में मेरा घोड़ा भिदक गया और मुझे भगाकर यहाँ ले आया। मैं तो अपनी उंगली बचाने का प्रयास कर रहा था महाराज, किंतु यहाँ आकर फंस गया। किंतु आप यहाँ कैसे फंस गए? हमसे क्या पूछ रहे हैं पंडित रामकृष्णा? गुरुवर से पूछे, उन्हीं की कृपा से यहाँ पहुँचे हम। हाँ हाँ, वो हमें अपनी गुप्त अलौकिक शक्तियों से आभास हुआ कि पंडित रामकृष्णा को हमारी सहायता की आवश्यकता है। परोक्ष रूप से ही महाराज के साथ आपकी सहायता करने के लिए आ गए। बहुत बढ़िया गुरुवर, अब हम सबको सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। सहायता? मनी, भगवान न करे कि किसी दुश्मन को भी इस बुड्ढे की सहायता की आवश्यकता पड़े। सुनो, हम विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय हैं। आपका एक विभाग भी हमारे संरक्षण में आता है। हमें मुक्त कराइए, अन्यथा हमें क्रोध आ जाएगा। कीजिए मुक्त। महाराज, आप ठीक तो है ना? हाँ पंडित रामकृष्ण, हम ठीक तो है, परंतु ये समझ नहीं पा रहे कि यहाँ हो क्या रहा है। उन्हें हाथ बांध रहे हो। बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप। संभवतः जानते नहीं कि हम कौन हैं। हमें क्रोध आ जाएगा, हम अपने बंधुओं की शक्ति से भस्म कर देंगे। भस्म हमारे हमारे निकट मत आइए। दूर 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 हटिए, दूर हटिए। तुम कौन? हम कौन? हम हैं विजयनगर साम्राज्य के राजगुरु, पंडितों के पंडित, महापंडित, महाज्ञानी, दिव्य आत्मा, राजपुरोहित तथाचार्य। आप हमसे परिचित हो ही गए हैं। हमारे गुरुजी को जानता है। ये क्या है? क्या है? निकट मत आना, रुक जाइए वहीं।
निकट मत आना। ठहरिए, आप संभवतः अभी भी भ्रमित हैं। आपको ज्ञात नहीं है कि आप क्या अनर्थ करने जा रहे हैं। ये विजयनगर के महाराज श्री कृष्णदेव राय ही हैं। सैनिक अभी इन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच जाएंगे। यदि इन्हें कुछ भी हो गया ना तो वो आपकी क्या दुर्दशा करेंगे, वो आपके कल्पना से भी परे है। हाँ पंडित रामकृष्ण, जब ये मोटा पत्ता फिल्म गया भी हमारी ओर बढ़ रहा था और इसने ये किया, तब तुमने इसे रोका क्यों नहीं? ओ शांति रखिए ना गुरुवर। देखिए मैं कह रहा हूँ रुक जाइए, यदि सैनिक यहाँ पहुँच गए तो यहाँ सब कुछ तहस नहस कर देंगे, मैं बता रहा हूँ। हाँ पंडित रामकृष्ण, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये हमारी भाषा को नहीं समझ रहा है। तो भैंस के आगे बीन बजाने वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। जय भैंसा कह रहे हो? क्षमा, इतनी अवधि व्यतीत हो गई, पूरी घटना के बीच में तुमने आपने कुछ बोला नहीं तो हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि तुम नहीं आप आप क्षमा क्षमा। हमें समूह के सरदार मुर्गन अप्पू हैं। कौन से पप्पू? मुर्गन अप्पू। मुर्गन अप्पू, ये विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय हैं। धूर्त, हमें मूर्ख बनाने का दुस्साहस करते हो। तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि हम अपने महाराज का परिचय नहीं जानते। देखिए मेरी बात का भरोसा कीजिए, ये हमारे महाराज श्री कृष्णदेव राय ही हैं। मैं सत्य कह रहा हूँ, कैसे भरोसा दिलाऊं आपको? ये सत्य कह रहे हैं, हम ही हैं कृष्णदेव राय। हाँ, हम महाराज कृष्णदेव राय के भक्त हैं। जंगलों में आवास करते हैं, विजयनगर की सीमा में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले को दंडित करते हैं। स्वयं इस राज्य के महामंत्री तिमारासु ने हमें ऐसा करने का आदेश दिया है। क्या हम अपने महाराज को नहीं पहचानते? उचित है, उचित है। तो आप मंत्रीवर तिमारासु को यहाँ बुला लीजिए और उन्हीं से सब कुछ ज्ञात कर लीजिए। वो आपको सत्य बता देंगे कि ये कौन है। तुम अपने प्राण बचाने के लिए हमसे असत्य कह रहे हो? नहीं, महामंत्री राजकाज में अत्यंत व्यस्त रहते हैं, उनसे पूछकर हम उपहास का पात्र नहीं बनना चाहते। ओहो, भीमकाय मनुष्य मुर्गन पप्पू, ये हमारे महाराज श्री कृष्णदेव राय ही हैं। देखिए, हमने अपनी प्रजा की दशा जानने के प्रयोजन से ये वस्त्र धारण किए हैं। इसी कारणवश आप हमें पहचान नहीं पा रहे संभवतः, परंतु हम ही कृष्णदेव राय हैं। जानते हो ये क्या है? पंख है। पंख? ये मात्र पंख नहीं है, हिमालय में पाई जाने वाली दुर्लभ चिड़िया का पंख है। यह नगर में प्राप्त नहीं होता तो अवश्य नेपाल से आए व्यापारी हो। यह नगर की सीमा में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर रहे हो। हमारा मंतव्य उचित नहीं है। ये तो मुख से ही दूसरे देश का निवासी लगता है। सरदार, बलि की समस्त व्यवस्थाएं पूर्ण करना प्रारंभ करो। जी सरदार। अब बलि क्यों? किसकी बलि? कैसी बलि? कौन सी बलि? और आप कैसी बलि की चर्चा कर रहे हैं? तुम दोनों की बलि, तुम सबकी बलि। महाराज सुन रहे हैं हम पंडित रामकृष्ण, तो कुछ कीजिए ना। क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। सत्य है, मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं, तो क्या करें? क्या करें अर्थात? हम आपके विशेष सलाहकार हैं कि आप हमारे विशेष सलाहकार हैं? आप हमारे विशेष? नहीं, मैं आपका विशेष सलाहकार हूँ। तो फिर विचार करने का कार्य किसका हुआ? जो आ गया शीघ्र विचार कीजिए। जी क्या करें, क्या करें? अरे देखिए, वार्ता करने से सारे विवाद सुलझ जाते हैं, हम बैठकर बात करते हैं ना। आइए ना, अब यहाँ बात करते हैं। अरे कहाँ लेकर जा रहे हैं? अरे रुके महाराज, रुक जाइए, सावधान कर रहे हैं हम आपको। जो करने जा रहे हैं बहुत बड़ी भूल है। इतना व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी भी बलि दी जाएगी। अरे हम जैसे कुछ प्राणियों की बलि से तो भगवान भी आप प्रसन्न होंगे ना। अरे रुकिए, अरे महाराज
अरे रुके, हेलो भाई। तो ऐसा ही हो रहा है बंधु। मैंने पंडित रामकृष्ण का अंत इतना दुखद होगा ये कभी सोचा नहीं था। अरे धनी, ये तो प्रारंभ है, हम सभी का अंत ऐसा ही होगा। गुरु जी का शिष्य होने का दुष्परिणाम तो हमें भी भुगतना ही पड़ेगा। मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो माफ कर देना मनी। धनी, मुझसे भी कोई त्रुटि हो गई तो मुझे भी माफ कर देना। अरे छोड़ो मुझे, मुक्त करो, ये अनैतिक है, ये अमानवीय है। ऐसा प्रतीत हो रहा है सर्वप्रथम मेरी ही बलि दी जाएगी। हाँ। ये पंडित है पंडित, इसकी बलि वर्जित है। वर्जित? हाँ, चोटी लज्जा नहीं आती? पंडित होकर व्यापार करते हो। ए, हमारी भी चोटी है, देखो देखो। कैसी चोटी? हाँ, हमारी भी चोटी है ना। चोटी मस्त पंडित हैं। इसकी चोटी नहीं है, इसकी बलि दे सकते हैं। हेलो, कोई बात नहीं, तुम्हारे सभी अपराध क्षम्य हैं। एक बार हमें मुक्त करके देखिए, फिर बताते हैं कि हम कौन हैं। महाराज को कहाँ लेके जा रहे हो? इन सबको भी ले चलो। सर्वप्रथम तुम्हारी बलि दी जाएगी, शेष लोग बलि के योग्य नहीं। हमने सुना है कि आपके महाराज कृष्णदेव राय अत्यंत न्यायप्रिय शासक है, सत्य? हाँ अवश्य, वे हैं न्यायप्रिय, बड़े ही कृपालु हैं महाराज। तो विजयनगर राज्य की न्याय प्रणाली के अनुसार किसी का भी वध करने के पूर्व उस व्यक्ति की अंतिम अभिलाषा पूर्ण की जाती है, परंपरा है विजयनगर राज्य की। तो क्या आप अपने महाराज के सम्मान की रक्षा हेतु हमारी अंतिम अभिलाषा पूर्ण नहीं करेंगे? अवश्य,
व्यापारी कहो, तुम्हारी अंतिम अभिलाषा क्या है? हमारी अंतिम अभिलाषा है कि आप हमारे हाथ इस बंधन से मुक्त करते हैं और हमारी तलवार हमें सौंपते हैं। हम अपने महाराज कृष्णदेव राय का मान रखने के लिए तो अपने प्राण भी न्योछावर कर सकते हैं। तुम्हारी अंतिम अभिलाषा अवश्य पूर्ण की जाएगी व्यापारी, किंतु उससे पहले तुम्हारी आव भगत होगी। बुझलो? ए ये जंगली वन मानुष पता नहीं कैसे आव भगत करने वाला है। यो इसे। ये क्या है? हम नहीं पिएंगे। यो हम नहीं पिएंगे। तथापि नहीं पिएंगे, कुछ भी कर लो हम नहीं पिएंगे। इनके हाथ खोल दो। ये हमें सब दो दो क्यों दिखाई दे? ओ मुर्गा पप्पू, ये क्या पदार्थ पिला दिया तुमने हमें? हमें स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। गुरु जी प्रतीत होता है सबसे पहले ये हमें अंधा करेंगे, उसके बाद हमारी बलि चढ़ाएंगे। मनी ये चाहिए, मैं तुझे इस प्रकार मरते हुए नहीं देख सकता। अच्छी तलवारबाजी कर लेता है, मैंने तेरा अनुमान लगाने में चूक की। इस मुर्गन पप्पू को मार डालो, कछु निकाल दो महाराज। मार डालो महाराज। क्या कर रहे हैं महाराज? क्या Oh!
महाराज की बलि नहीं हो सकती। महाराज इस बलि के लिए उपयुक्त नहीं है। ना क्या चाहते हो? तात्पर्य क्या है तुम्हारा? महाराज, महाराज अंग भंग है। महाराज के शरीर का एक भाग कटा हुआ है। चाहो तो भली भांति पड़ताल कर सकते हो, महाराज बलि के लिए उपयुक्त नहीं है। नहीं है महाराज बलि के लिए उपयुक्त। सब कुछ तो ठीक प्रतीत होता है। तुम समय व्यर्थ करके विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हो। महाराज के हाथों की उंगली की पट्टी निकाल कर देखो। नहीं, ये बलि के लिए अक्षत नहीं है। अरे भगवान, हम बच गए। धन्यवाद भगवान। भागो भागो तथाचार्य, अपने प्राणों की रक्षा करके भागो। भागो 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 भागो। अरे डाला डाला मैंने। मृत्यु के पश्चात हम तो नर्क में पहुंच गए। नर्क में कैसे? अरे स्वर्ग में लोभी दुराचारी दुष्ट बुड्ढे को स्थान कहाँ मिलेगा? ये यहाँ है तो हम भी नर्क में होंगे ना। हाँ, तुम जीवित हो, मरे नहीं हो। अर्थात उस राक्षस मुर्गन अपने हमें छोड़ दिया। हाँ, परंतु हमें महाराज और पंडित रामकृष्ण को ना बचाने का खेद आजीवन रहेगा। महाराज की ध्वनि। महाराज महाराज महाराज, अब ठीक है ना? महाराज खाया। महाराज आप वन में हैं और सुरक्षित। महाराज हम अपने मंत्र की शक्ति से उस राक्षस मुर्गन पप्पू और उसके साथियों को अदृश्य करने ही वाले थे, परंतु क्या करें, हम बेहोश हो गए। पंडित रामकृष्ण कहाँ है? पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण मिल गए, मिल गए। हो, महाराज लगता है उन आदिवासियों ने पंडित रामकृष्ण को। गुरुदेव श्वास चल रही है। क्यों चल रही है? महाराज श्वास चल रही है, श्वास चल रही है महाराज। पंडित रामकृष्ण शांत शांत। पंडित रामकृष्ण हम सुरक्षित है। महाराज वो कहाँ गए? वो उन्हें हमने अपने मंत्रों की शक्ति से। गुरुवार आप शांत रहेंगे? जी महाराज, क्षमा क्षमा। पंडित रामकृष्ण हम क्षमा प्रार्थी हैं। अरे महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? हम आप पर क्रोधित हुए थे, क्षमा कर दीजिए हमें। नहीं नहीं महाराज, क्षमा प्रार्थी तो मैं हूँ। मुझे अपनी जीवा पर नियंत्रण रखना चाहिए था। मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ, है ना गुरुवर? हाँ वो तो है। हाँ परंतु जो भी कहते हैं उचित कहते हैं। आपका कथन सत्य निकला। यदि आज हमारी उंगली कटी ना होती तो संभवतः हमें बलि पर चढ़ा दिया गया होता। तो पंडित रामकृष्ण आपने सत्य कहा था, ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। हाँ महाराज ये सत्य है। जी जी, और यदि ईश्वर ने आपको वाचाल बनाया है तो इसमें भी कोई शुभ कारण होगा पंडित रामकृष्ण। तो आप ऐसे ही रहिए, क्योंकि
ईश्वर जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। ईश्वर ने हमें इस पाखंडी बुड्ढे का शिष्य बनाकर कौन सा अच्छा कार्य किया। अरे इस बुड्ढे के बाद ईश्वर भी हमेशा हमसे क्रोधित रहते हैं। दुष्टो हम सब सुन रहे हैं महाराज। हम गुरुदेव मुरुगन पप्पू आ गया। महाराज हम गिर गए। कोई बात नहीं गुरुवर, ईश्वर जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। महाराज आज रविवार है। महाराज आज रविवार है। महाराज आज रविवार है। वो संध्या काल में महाराज, वो संध्या काल में महारानी चिन्ना देवी, हमें भली भांति ज्ञात है कि सप्ताह में एक दिवस रविवार होता है और संध्या काल एक पहर होता है, परंतु आप क्या कहने की चेष्टा करिए ये नहीं समझ पा रहे हो। महाराज हम आपको यही स्मरण कराने की चेष्टा कर रहे हैं कि महारानी तिरुमलम्मा ने आज संध्या काल में महल के अंदर हल्दी कुमकुम के समारोह का आयोजन किया है और विजयनगर की समस्त महिलाओं को भी आमंत्रित किया है। अच्छा, और इस उपलक्ष्य में उन्होंने उपवास भी रखा है महाराज। उपवास रखा है कब तक टिकेगा महाराज? कब तक चलेगा महाराज? उपवास तो पूर्ण दिवस का होता है ना। अवश्य पूर्ण दिवस का उपवास। नहीं केश, केश! महारानी तिरुमलम्बा आप खुले नेत्रों से कोई बुरा स्वप्न देख रही हैं क्या? आरने चिन्ना देवी ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ऐसा संभव हो सकता है महाराज, मन की आंखों से बिना निद्रा के भी स्वप्न देखे जा सकते हैं। अद्भुत। नहीं केश, केश, केश! छोटी महारानी जी आप केश केश क्यों चिल्ला रही हैं? आपके केशों के साथ कुछ अप्रिय घटित हुआ है? नहीं, ठीक वैसी है जैसे प्रतिदिन होते हैं। महाराज हम अपने नहीं आपके केशों की बात कर रहे हैं। परंतु महाराज के केश में ऐसा क्या दिख रहा है? है जो हम देख रहे हैं परंतु आपके नेत्रों से ओझल है। आपके कहने का तात्पर्य क्या है? ये देखिए, ये देखिए आपका केश महाराज, आपका टूटा हुआ केश जो कभी आपका था परंतु अब झड़ गया, अब आपका ना रहा महाराज। अर्थात महाराज आपके केशों में तो पतझड़ ऋतु आरंभ हो चुकी है। महारानी तिरुमलम्बा आप व्यर्थ में ही चिंतित हो रही हैं। यदि घने वन से एक वृक्ष टूट के गिर भी गया तो उसे बंजर नहीं कहते। लेकिन यदि उसी घने वन में से एक एक करके सभी वृक्ष गिर गए तो सोचिए महाराज का शीश तो खुले मैदान जैसा हो जाएगा। और यदि ऐसा हो गया तो सोचिए महाराज आप ऐसा शीश लेकर दरबार में कैसे जाएंगे? दरबार में कैसे जाएंगे? मुकुट पहनकर जाएंगे हम। हम अपना मुकुट पहनकर जाएंगे। महाराज ये देखिए आपके वन में तो चार चार वृक्ष गिरे हुए हैं। ये देखिए महाराज, अर्थात महाराज आपके वन का यौवन समाप्त हो रहा है। आपका शीश केश रहित हो जाएगा महाराज और किसी शीश महल के भांति चमक उठेगा। छोटी महारानी जी आप हमें बता रही हैं या डरा रही हैं? नहीं नहीं महाराज आप तनिक भी चिंतित ना होइए, हम है ना हम आपको बाल बाल बचा लेंगे। हमारे पास ना इस समस्या का एक खतरनाक उपाय है। खतरनाक? क्या? आप हमारा तात्पर्य यह है महाराज कि हमारे पास ना इस समस्या का उत्तम और सरलतम उपाय है। अद्भुत, तो ये उत्तम सरलतम उपाय हमें शीघ्रतम बताइए, हम कोई भी जोखिम लेने को तैयार हैं। हमारे पिताश्री महाराज चर्वेश्वर राव के सिर में से भी बाल झड़ने लगे थे, अर्थ चंद्रमा के समान प्रतीत होने लगे थे। पूर्णिमा की रात्रि तो हम भेद ही नहीं कर पाए कि चांद कौन सा है और हमारे पिताजी का शीश कौन सा है। छोटी महारानी जी उपाय बताइए ना। उपाय है महाराज, हमारे कर कमलों से बना हुआ आंवले और करेले का विशेष काढ़ा। काढ़ा?
महाराज हमें आज भी स्मरण है, वो काढ़ा पीने के बाद ना हमारे पिताश्री के बाल पुनः आ गए थे। महाराज वही काढ़ा हम आपके लिए बनाकर लाएंगे। कष्ट, घोर कष्ट। नहीं नहीं महाराज, हमारे होते हुए आपको कदापि कष्ट नहीं हो सकता है। आप देखिएगा वो काढ़ा पीने के बाद ना आपके बाल भालू से भी अधिक हो जाएंगे। महारानी तिरुमलम्मा, परंतु आपका तो उपवास है और हल्दी कुमकुम का समारोह भी आपने रखा है और विजयनगर की समस्त महिलाओं को भी आमंत्रित किया है, ऐसे में आप काढ़ा कैसे बना पाएंगी और इतने सारे कार्य अकेले कैसे कर पाएंगी आप? हाँ हम तो कहते हैं रहने दीजिए। उचित कथन है, सत्य कह रही है। नहीं महाराज, हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण आप हैं। हम आपके लिए काढ़ा बनाते हैं और अभी उपस्थित होते हैं। हाँ महाराज, आपके दिन का आरंभ तो आंवला और करेले युक्त काढ़े से भरपूर होगा। काढ़े से भरपूर नहीं होगा है, और पीड़ा से भरपूर होगा। काढ़ा, क्या कर रहे हैं? मैं विपरीत शीर्षासन कर रहा हूँ। विपरीत क्यों? हम आपको सीधा शीर्षासन करना सिखाते हैं। नहीं नहीं, मैं तो यहाँ खड़े खड़े अपने मुख से बगीचे की सफाई कर रहा हूँ। ओह, दाढ़ी बना रहे हैं, परंतु आज तो रविवार है, प्रतिदिन यही करते रहते। रहने दो शारदा, तुम नहीं समझोगी हम पुरुषों का कष्ट। अच्छा, कष्ट? कष्ट तो हम स्त्रियों को होता है, आपको ज्ञात भी है स्त्रियों को कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, किंतु तुम्हें हम पुरुषों के दाढ़ी के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। अरे ये बिना किसी अवकाश के उगाते हैं जैसे घर की खेती हो। रामा, दाढ़ी अनुशासन प्रिय होती है, इसलिए नियमित रूप से प्रतिदिन बढ़ती है, तेरी तरह नहीं है। हम नहीं, अम्मा कह रही है। अम्मा, हमारा हर दिन सुबह गर्दन पर उस्त्रा रखकर शुरू होता है। ऐसे दिखा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी बहादुरी का कार्य कर रहा हो। अम्मा, ये बुद्धि और बहादुरी दोनों का कार्य है। उस्त्रा इधर से उधर हुआ, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसमें क्या है, सभी करते हैं। सब नहीं करते, केवल पुरुष करते हैं। संयोगवश तुम दोनों की दाढ़ी उग गई ना, तब समझ में आएगा। इसकी तो काली ज़बान है, इसके मुख से निकली हुई अनहोनी भी होनी हो जाती है। ए भगवान, उठा लो इनकी गलत सोच को, उठा लो और इनके मस्तिष्क में सही सोच डालो। गुरुजी, गुरु माता। आपके लिए मन्नत मांगी है। क्या? आपको ये सारे चावल एक एक करके ग्रहण करने होंगे। क्या करके? एक एक करके ग्रहण करने हैं, इससे समस्त विजयनगर के सारे कष्ट एक एक करके नष्ट हो जाएंगे। हमें बताइए, कभी आपने आकाश के तारे एक एक करके गिनने का प्रयास किया है? यदि नहीं तो हम एक एक करके चावल कैसे खा सकते हैं? हम तो मन्नत स्वामी, मन्नत। यदि मन्नत सरल होती तो क्या आप इतने महान कहलाते? ये मन्नत नहीं, मनस्ताप है वरुण माला। नहीं ठहरिए स्वामी, हम अभी आपको बताते हैं। ये देखिए स्वामी, इसी प्रकार आपको चावल का एक एक दाना ग्रहण करना होगा। वरुण माला, इस विधि से एक समय का भोजन ग्रहण करने के लिए दो जन्म लग जाएंगे। हम नहीं करेंगे ये मन्नत पूरी। परंतु स्वामी, अगर आपने ये मन्नत पूर्ण नहीं की तो प्रलय आ जाएगी, प्रलय। अच्छा ठीक है, करेंगे।
गुरु माता, आज आप देखना हमारे गुरुजी भोजन हाथों से नहीं अपने मंत्रों की शक्ति से ग्रहण करेंगे। गुरुजी, आप तो मंत्रों की शक्ति से सिर्फ चावल के दाने ही खाएंगे ना, और अन्य स्वादिष्ट व्यंजन हम खा लेते हैं। गुरुजी, अब आपकी इतनी सहायता तो हम कर ही सकते हैं ना। हम आपके प्रिय शत्रु शिष्य है ना गुरुजी। हाँ हाँ पुत्र, क्यों नहीं, आप अति शीघ्रता करिए और इसी प्रकार हमारी मन्नत भी जल्दी पूरी हो जाएगी। क्या हुआ गुरुजी? हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं। स्वास्थ्य? हम भोजन नहीं करेंगे, विश्राम करें। धनी मनी, हमें उठाओ। आप तो दाढ़ी ही बनाती रहिए। महारानी तिरुमलम्मा ने हल्दी कुमकुम का समारोह रखा है महल में, हम तो वहीं जा रहे हैं। मैं भी जाऊंगा। गुंडप्पे, वहाँ केवल महिलाएं और युवतियां ही आमंत्रित हैं, और तू तो बुलुत। इसलिए तो जाऊंगा लाज महल के हल तमालों में लड्डू बनते, और बुलुत के लड्डू कितने अच्छे लगते हैं ना, मैं अब तल नहीं जाने दूंगा। तू लड्डू खाएगा, लड्डू खाने के लिए कहीं भी चला जाएगा, राजमहल जाकर लड्डू खाएगा। घर पर लड्डू नहीं बनते, शारदा लड्डू नहीं बनाती। लड्डू खाना अच्छी बात नहीं है, पेट में दर्द होगा। पेट में कष्ट बाद में होगा, पहले मैं लड्डू का स्वाद तकूंगा। गुंडप्पा, अम्मा सही कह रही है, तू शांति पूर्वक घर में ही रहना और अपने परम मित्र के साथ खेलना। मेरी प्यारी शारदा कितनी सुंदर है। अम्मा, महल जाएगी और आते समय मेरे लिए लड्डू लेकर आएगी। ठीक है अम्मा, हम आपके लिए एक लड्डू ले आएंगे। एक, तीन लड्डू लेकर आना। महल के लड्डू अत्यंत स्वादिष्ट होते हैं, एक लड्डू तो मुंह में जाते ही पिघल जाता है। तीन लड्डू खाऊंगी तो स्वाद आएगा। परंतु अम्मा, अभी तो आप गुंडप्पा को लड्डू खाने से रोक रही थी, अब स्वयं ही। ठीक है अम्मा, अब हम ले आएंगे आपके लिए लड्डू, ले आएंगे। हाँ, तीन लड्डू ले आएंगे। ईश्वर, आज हम हल्दी कुमकुम के लिए प्रस्थान नहीं करेंगे और यहीं रहकर आपकी सेवा करेंगे। क्यों सेवा करेंगे जी? अर्थात क्या आवश्यकता है वरुण माला? आप जाइए, जाइए, जाकर अपना कार्य कीजिए। हम अपने मंत्रों की शक्ति से अपना स्वास्थ्य सुधार लेंगे। नहीं नहीं स्वामी, हम आपको इस कष्ट में कदापि नहीं देख सकते हैं। नेत्र बंद कर लीजिए जी। इधर आओ। ये एक औरत हल्दी कुमकुम में क्यों जाती है? वो तो अपने पति परमेश्वर की कुशलता और स्वास्थ्य के लिए जाती है। यदि आप नहीं जाएंगी तो हमारा स्वास्थ्य और बिगड़ जाएगा, और एक औरत की हल्दी कुमकुम में ना जाने का महापाप हमारे सर पर पड़ जाएगा। वरुण बाला, शिव 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 शिव, आप जाइए जाइए। ये है ना धनी मनी, ये करेंगे हमारी सेवा। हाँ हाँ गुरु माता, धनी मनी के रहते आप निश्चिंत रहिए। परंतु स्वामी, मन्नत तो हम करेंगे ना, हम अवश्य पूरी करेंगे। हाँ, क्यों नहीं गुरु माता, आपके वापस लौटने तक हमारे गुरुजी चावल के 50 दाने तो ग्रहण कर ही चुके होंगे। और आप चिंता मत कीजिए गुरु माता, हम गुरुजी को चावल के दाने चुन चुन के और गिन गिन के खिलाएंगे। जय हाय। जैसे आपके आगे स्वामी। हाय 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 हाय। गुरुजी, आप
आपने इतनी शीघ्रता क्यों की? आपको एक एक चावल का दाना बड़े ही प्रेम पूर्वक ग्रहण करना था। गुरुजी, आप तो ऐसे खा गए जैसे दुष्काल पीड़ित प्रांत से आए हो, सब चट कर गए। मूर्खो, शांत रहो। यदि आपके समक्ष अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन पड़ा हो तो भोजन को प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। भोजन क्रोधित हो जाता है, ये धर्म कहता है। कौन सा धर्म कहता है गुरुजी? भोजन धर्म। अच्छा, एक कार्य करो, इस पात्र को पुनः भर दो, वरुण वालों को संदेह नहीं होना चाहिए ना। गुरुजी, हमें ये तो भली भांति ज्ञात था कि आप महागुरु हैं। मगर आप महाचतुर हैं, ये भी धीरे धीरे ज्ञात हो गया। जी गुरुजी। धीरे धीरे समझदार हो रहे हो। महाराज, ये विशेष हमने आपके लिए बनाया है। इस काढ़े का कण कण आंवले और करेले के गुणों से भरपूर है। परंतु महारानी जी, ये तो धूल मिट्टी का मिश्रण प्रतीत होता है। नहीं नहीं महाराज, ये तो आपके केशों के पुनः आगमन के लिए है। महाराज, हमारा उपवास है और हल्दी कुमकुम भी है, फिर भी हमने समय निकाल कर बड़े परिश्रम से आपके लिए ये बनाया है। अच्छा। इसकी क्या आवश्यकता थी? जी? जी, आपको आपको इतना कष्ट लेने की क्या आवश्यकता थी छोटी महारानी जी? आवश्यकता नहीं महाराज, कर्तव्य। कर्तव्य के वशीभूत होकर हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और हम स्वयं भी तो चिंतित है ना महाराज। तनिक सोचिए, गंजे पति की महारानी कैसी लगेगी? प्रजा हमसे क्या प्रश्न करेगी कि यही है वो महारानी जिनके पति सम्राट है, जिनके पास सब कुछ है, परंतु केश नहीं है। महाराज, हल्दी कुमकुम का समय हो गया है, हमें जाना पड़ेगा। परंतु आप इस काढ़े को अवश्य पी लीजिएगा और फिर देखना, आपके शीश का वर कभी साफ नहीं होगा। शीश के वन का तो क्या नहीं है, परंतु ये काढ़ा पीकर हम अवश्य साफ हो जाएंगे। पीले पीले। पीले? ये? नहीं पी सकते। अरे पिएगा तो तुम्हारे शीश के वन का पतझड़ समाप्त हो जाएगा। हम भी ये पी लिया तो हम स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। अरे पीले, ये काढ़ा तो आंवला और करेले के गुणों से पर्याप्त है। इसमें से तो हमें मृत मूषक की दुर्गंध आ रही है। हम कह रहे हैं ना, हम इसे नहीं पी सकते हैं, कदापि नहीं। जाओ तुम। परंतु जब Thank you.
अभी से इतनी लाजवंती है? लड्डू चुराकर खा रहा है? अगर बता दिया ना तो इतनी मार पड़ेगी कि लड्डू देखकर डर लगने लगेगा। टमाटर दो। अच्छा ठीक है, सुन, अम्मा के लिए ना 3 लड्डू चुराकर लाई हूँ, उन्हें दे देना और खबरदार जो खुद खाया तो। ठीक है, चल जा। दामिनी जी, लड्डू का स्वाद थोड़ा भिन्न है ना? हाँ हाँ, थोड़ा कड़वा है। कैसे लगे आपको लड्डू? हमने खुद अपनी निगरानी में बनवाए हैं। अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। खाइए खाइए। शारदा, तुम्हारे केश कितने अच्छे हैं, जैसे धूप में घनी परछाई। छोड़ो ना। तुम्हारी आंखें हैं जैसे इनमें पूरा समुद्र समाया हो। छोड़ो ना। और तुम्हारे होठ हैं क्या गुलाब की पंखुड़ियां, और ये तुम्हारी मूछें जैसे किसी क्षत्रिय का बाण। मूछ नहीं तो कुछ नहीं। सत्य कहा शारदा। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ शारदा, मुझे लगता है कि तुम्हारे मुख पर मूछें उगाई हैं। सास को भी मुझे आ गई है। क्या हूँ? इधर आओ, देखो। अरे ची 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 ची। अरे गाना क्या गा रहा है? इधर आओ, इधर आओ। अरे रामा, क्या क्या होता है तेरे साथ? इस घर में जो मर्द है उसे छोड़कर सबको मुझे। ये चमत्कार कैसे हो गया बंधु? ये माँ, इस स्थिति में मैं इस घर का पुरुष हूँ या ये सब? इन मूछों ने तो मेरा सब कुछ लूट लिया। ऐसे हाथ पर हाथ धरे क्या बैठा है? मेहंदी लगी है क्या तेरे हाथों में? तो और क्या करूं अम्मा, जिनके हाथों पर मेहंदी लगनी चाहिए थी उनके चेहरों पर तो मूछें उगाई हैं।
अब तो केवल यही बचा है कि तुम्हारी मूछों पर ताव दू। सोचता हूँ एक हाथ से मूछों पर ताव दू और दूसरे हाथ से तेल पिलाऊ। हे भगवान, कुछ कर। जिसे नरम होकर बैठना चाहिए था वो गरम होकर बैठी है, और जिसे गरम होकर बैठना चाहिए वो नरम होकर बैठा। अरे परंतु तुम लोगों ने ये मूछें उगाई कैसे? कहने का तात्पर्य है कि ये मूछें उगी कैसे? मुझे लगता है तू ही माया है। हाँ गुंडप्पे, ये मूछ माया है। अरे कोई मुझे कुछ बताएगा, ये मूछें उगी कैसे? ऐसा क्या किया तुम लोगों ने? हमें क्या पता, हम तो केवल महल गए और हमने उठा लिया। क्या उठा लिया? मूछें उठा ली? नहीं, हल्दी कुमकुम। अर्थात उस हल्दी कुमकुम में ही अवश्य कोई खराबी रही होगी, कोई कोई जादुई रसायन रहा होगा उसमें। परंतु हल्दी कुमकुम तो केवल हमने अपने सर और माथे पर लगाया था, नाक के नीचे नहीं, जहां मूछें उगाई है। फिर क्या? वहां पर तो गुंडप्पा भी आ गया था लड्डू खाने के लिए। क्या? परंतु अम्मा को कैसे मूछें उगाई? अम्मा तो वहां आई नहीं थी, हम तो केवल उनके लिए लड्डू लेकर आए थे जो हमने भी खाए। ओ, इसका अर्थ है कि लड्डू में ही कुछ था। अम्मा तुमने तो लड्डू नहीं खाई थी ना? खाई? तीन में से दो लड्डू खाए, एक बचा है। अच्छा, अर्थात तुम तीनों ने लड्डू खाए, मैंने लड्डू नहीं खाया। आपको लड्डू खाने की क्या आवश्यकता है? आपको तो मूछें वैसे ही है, प्रतिदिन सुबह अपने मुख के बगीचे को साफ करने में लग जाते हैं। नहीं शारदा, तुम तीनों ने लड्डू खाए इसलिए तुम्हारी मूछें आई। अम्मा को देखो, अम्मा ने तो अधिक लड्डू खाए ना, यदि कम लड्डू खाती तो कम मूछें आती। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे मुख पर मूछें नहीं, मूछों पर मुख उगाया है। देखो देखो देखो, अब तो मूछों वाले पुरुष की तरह भी व्यवहार करने लगी है। परंतु लड्डू केवल हम ही नहीं, वहां उपस्थित सभी स्त्रियों ने खाए थे। क्या इसका अर्थ है कि उन सभी महिलाओं को भी मूछें आ गई होंगी? हे भगवान, आएगा अब तो समस्त विजयनगर में भूचाल आएगा, भूचाल। स्वामी, स्वामी, उठ जाइए स्वामी। पूजा का समय हो रहा है। शिव 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 घर में डाकू, घर डाकू। कहाँ डाकू? डाकू घर में नहीं स्वामी, आपके स्वप्न में आया होगा, और वो भी आपका आशीर्वाद देने के लिए। आप नेत्र तो खोलिए, वो आपसे डर के भाग जाएगा। कौन हो तुम जो वरुण माला के पास धारण कर यहाँ पर आए हो? तुम्हारा आने का उद्देश्य क्या है? यदि उचित उत्तर नहीं दिया तो हम अपने मंत्रों की शक्ति से तुम्हें बस कर देंगे। स्वामी कैसी बातें कर रहे हैं? हम ही हैं, आपकी वरुण माला। क्या हो गया गुरुजी? क्या हो गया? क्या हो गया? कहाँ डाकू? कहाँ डाकू? क्या हो गया गुरु माता? क्या हो गया? घनघोर चमत्कार हो गया, अद्भुत आविष्कार हो गया। क्या आप तुम्हें क्या कह रहे हैं? क्या चमत्कार, कैसा आविष्कार? ये देखिए, आपके चेहरे पर मूछों का बगीचा हो गया। किसी डाकू को डराते ऐसी मूछें होता? वैसे भी हम कहाँ देखते हैं? हमारा कहने का तात्पर्य है, एक उपाय है, प्रायश्चित करो। कैसा प्रायश्चित? 14 वर्ष के लिए वनवास चली जाओ और वहां रहकर प्रायश्चित करो। परंतु ध्यान रहे, इन 14 वर्षों में एक बार भी आपका मुख किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए। यदि किसी ने आपका मुख देख लिया तो 14 वर्ष का वनवास पुनः। कानला मनी। हाँ ये ले धनी। देखा किस चतुराई से उस बुड्ढे ने हमारी गुरु माता को रास्ते से साफ कर दिया। हाँ, इस बुड्ढे के मन में मंत्र नहीं कपट है, कपट चालू बुढ़ो। नहीं नहीं स्वामी, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। तो क्या मूछ ने इस वरुण माला से हमें मुक्ति दिला दी है? बाबा इस मूछ ने तो हमारा कल्याण कर दिया। हम अभी जाकर हम दोनों का आवश्यक सामान मांग लेते हैं वनवास के प्रस्थान हेतु। अच्छा क्या? क्यों? दोनों का?
हमारा किस लिए? क्यों नहीं स्वामी, जैसे भगवान राम के साथ उनकी धर्म पत्नी सीता मैया उनके साथ वनवास पर गई थी, उसी तरह आप भी तो हमारे साथ जाएंगे ना? आप भी तो हमारे लिए हमारे भगवान राम है। नहीं, अब वनवास रहने दो, गृहवास कर लो। अब जो प्रायश्चित वनवास में रहकर करना है वो गृहवास में कर लेना, परंतु ध्यान रहे आप गृह से बाहर नहीं निकलेंगी जब तक ये मूछ नहीं चली जाती। भगवान नहीं जाने ये कब जाएंगी। जब तक ये मूछ नहीं जाती तब तक आप हमारे समक्ष नहीं आएंगे, समझ गई आप? अब हमारा भक्तों से मिलने का समय हो रहा है, हम स्नान कर पूजा गृह में जाएंगे, हम नहीं देख सकते। जी क्या? जी, हाँ, वो देखो। स्वामी, महाराज, महाराज आप हमारी मत घूमिएगा। परंतु क्यों महाराज? कृपया कर मत घूमिएगा। महारानी चिन्ना देवी, आप विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय को पीठ दिखाने का आग्रह कर रही हैं, ये हमें शोभा देता है क्या? नहीं महाराज, महाराज आप सर्वप्रथम हमें पहले ये बताइए कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। प्रेम? ये कुछ पांच सेर। क्या पांच सेर? ये कैसा प्रेम है महाराज? ये कैसा प्रश्न है महारानी चिन्ना देवी, हम आपसे कोई नाप तोल के प्रेम थोड़ी करते हैं, हमारा आपके लिए प्रेम असीम है। हमारे प्रेम के सम्मुख भूमि से गगन तक की दूरी भी कम पड़ जाती है, पाताल की गहराई भी कम पड़ जाती है, महाकाई पर्वत का भार भी। हाँ हाँ महाराज, समझ गए हम कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। महाराज यदि हमारी एक आंख खराब हो जाए और एक हाथ कट जाए तब भी आप हमसे इतना ही प्रेम करेंगे? अवश्य, इससे भी अधिक प्रेम करेंगे महारानी चिन्ना देवी, क्योंकि भारी सौंदर्य तो केवल दिखावा होता है, प्रेम तो आंतरिक होता है। महाराज यदि हमारी मूछें आ जाए तब भी आप इतना ही प्रेम करेंगे? महारानी चिन्ना देवी, आपने अपना मुंह क्यों ढका हुआ? अद्भुत लग रही है आप महारानी चिन्ना देवी, रंगमंच के किसी कार्यक्रम में भाग ले रही हैं आप, ये मूछें क्यों चिपकाई है आपने? नहीं महाराज, हमने चिपकाई नहीं, खुद उगाई। उग गई अर्थात? महाराज हमने सुना है महारानी चिन्ना देवी की मूछें उगाई हैं, क्या ये सत्य है? महाराज अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया। हैरानी की बात तो ये है कि हमने काढ़ा आपके केशों के लिए बनाया था और मुझे महारानी चिन्ना देवी की निकल आई। काढ़ा? महाराज आपने उस काढ़े का सेवन किया था ना? नहीं, हाँ नहीं, अर्थात कैसा प्रश्न है? हमने काढ़ा तो वो महाराज आपको हमारी सौगंध, आप सत्य बताइए आपने उस काढ़े का क्या किया? प्रयास किया था उसे पीने का, और प्रयास किया परंतु वो काढ़ा हम पी नहीं पाए, इसलिए हमने वो काढ़ा फेंक दिया। क्या फेंक दिया? महाराज हम आपसे पूछ रहे हैं आपने काढ़ा कहाँ फेंका? खिड़की से बाहर। खिड़की से बाहर? कब? कब? संभवतः जब आपका हल्दी कुमकुम का आयोजन आरंभ होने वाला था तब। महाराज उस समय तो खिड़की के नीचे से लड्डू भी ले जाए गए थे, संभवतः वो काढ़ा लड्डूओं में तो विसर्जित नहीं हो गया। तेरे द्वार खड़ा है जोगी,
जो है तेरा प्रेम रोगी। सौदामिनी हाँ। देखो ना पूरा एक पैर हो गया, तरस गए हैं आपका मुख देखने के लिए। आज इस चांद पर ये घूंघट की बदली क्यों? हमें लज्जा आ रही है। हाय लज्जा, लज्जा तो स्त्रियों का गहना होती है, पर हमसे क्यों? आपके सामने तो हम हैं, आपके तत्थु। चलिए शीघ्र घूंघटा उठाइए और मुखड़ा दिखाइए, देखिए अन्यथा सारा दिन व्यर्थ हो जाएगा। अगर हमने ये पल्लू उठाया तो ये रात्रि भी व्यर्थ हो जाएगी। क्यों उपवास कर रही है सौदामिनी है? चलिए शीघ्र कीजिए, अब हम एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते। चलिए ना, ऐसे से मत कीजिए। देखिए ये घूंघटा उठेगा, चांद हमें दिखेगा और उस चांद पर चार चांद हम लगाएंगे। ये तथाचार्य का वचन है। कैसे कैसे? ऐसे, ये देखो सौदामिनी, इस हार में ही हमारी जीत है। से हमारी ओर से मुख दिखाई समझो। ये उपहार हमें दे दीजिए और हमारी ओर पीठ कर लीजिए। अच्छा हाँ। हम पीठ कर लेंगे तो मुखड़ा कैसे देख पाएंगे? आपके सम्मुख दर्पण है। हाँ है। उसमें देख लो। सौदामिनी नर्तकी आप हैं और नृत्य हमसे करवा रही हैं। कैसे? हमारा तात्पर्य है क्या क्या अद्भुत शैली है आपकी रूप दर्शन करवाने की। हाँ। उत्तम, अति उत्तम। चाहिए? आ गई आईने के समक्ष। तत्थु हाँ? पहले अपनी आंखें बंद कीजिए। कर ली। तत्थु हाँ? अब अपनी आंखें खोलिए। खोलते हैं। हाय आपकी झील सी गहरी। ये क्या है? ये रूप दर्शन नहीं, ये तो भूत दर्शन है। ये देखने से पूर्व हम अंधे। ये आईना टूट क्यों नहीं गया? मुझे आपकी आई है, सांसें हमारी अटक रही। अब हम आपको चांदी से सुंदर नहीं दिख रहे हैं ना? नहीं, हमारा कहने का तात्पर्य है कि वो कहते हैं ना कि चांद में दाग होता है, परंतु आपके चेहरे पर तो मूंछों का बाग है। अचानक हमें ये मूंछें निकल आई है, हम क्या करें? हम कैसे जिएंगे? हम आत्मदाह कर लेते हैं। कर लीजिए। हो गया, सारा पूर्ण था लड्डू में मिले। हो गया। हाँ महाराज, हमें ज्ञात है, हमने उस लड्डू के थाल में भूरे रंग के चिन्ह और चींटी देखे थे, और इसी कारणवश हमने अपना क्रोध भी प्रकट किया था उन दासियों पे कि आपने अपना कार्य कुशलता पूर्वक नहीं किया। परंतु हमें कहा गया था महाराज कि वो घड़ा उन लड्डू के थाल पर विसर्जित हुआ है। महारानी चिन्ना देवी, आप इतनी आश्वस्त कैसे हो सकती है कि लड्डू के सेवन से ही आपकी मूछें उगाई? बताते हैं, देखिए यह है आपकी प्रिय महारानी तिरुमलम्बा। देखिए क्या इन्हें मूछें आई है? नहीं आई, कैसी आएंगी? इन्होंने तो लड्डू का सेवन किया नहीं है ना? लड्डू का सेवन तो हमने किया है महाराज, इसलिए हमारी मूछें आ गई। हाँ, हम समझ गए, ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये आप दोनों की सहमति से हुआ है। हाँ, महारानी तिरुमलम्बा ने वो घड़ा बनाया और महाराज आपने वो घड़ा हमें अनोखी युक्ति पूर्ण तरीके से खिलाया। आप दोनों के कारणवश हमारी ये मूछें आ गई।
ये आप दोनों का हमारे खिलाफ षड्यंत्र है। महारानी देवी, ये आप समझ गए महाराज, आप हमसे प्रेम नहीं करते हैं, हमें ये ज्ञात हो चुका है महाराज। आज से, अभी से हम अपना अनशन आरंभ करते हैं। महारानी चिन्ना देवी, महाराज हमने वो काढ़ा इतने परिश्रम से आपके लिए बनाया था, परंतु आपने उस काढ़े को खिड़की से बाहर फेंक दिया। महाराज अब हम भी अनशन करेंगे। छोटी महारानी जी, अनशन तो करती